हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में हैंगमैन की इस वीडियो में अवेलेबल लेटर्स को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। अवेलेबल लेटर्स हमें यूज़र को बताने के लिए कि आपके पास ये अवेलेबल लेटर्स है वर्ड को गेस करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गेट अवेलेबल लेटर्स नाम का एक फंक्शन है जिसमें लेटर्स डॉट लेटर गेस्ट एक लिस्ट आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है जो कि एक ब्लैंक लिस्ट है, जिसके अंदर अगर लेटर को गैस यूज़र लेटर को गैस सही करता है तो उसमें अपेंड हो जाएगा। लेटर डॉट गैस अपेंड लेटर, तो लेटर अपेंड हो जाएगा। इसको इस कोड को हम एक बार टर्मिनल पर रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। जैसे कि कंप्यूटर ने हमें बताया, वेलकम टू द गेम हैंगमैन, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट इज़ 8-10 लेटर्स लॉन्ग। तो हमें बता रहा है कि जो वर्ड कंप्यूटर ने सोचा है वो 10 लेटर लंबा है। तो अवेलेबल लेटर्स हमारे पास दिए हुए हैं जिससे हम गेस करेंगे वो A to Z तक के लेटर्स हैं। मान लीजिए मैं वाई डालता हूँ तो ऊप्स दैट लेटर इज़ नॉट इन माई वर्ड एंड रिमेनिंग लाइव 7। और मान लीजिए मैं एन डालता हूँ तो एन मेरा इस वर्ड में है बट एन नेक्स्ट लाइन में फिर से आ रहा है गेस करने के लिए, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अवेलेबल लेटर्स का काम यह है कि जो लेटर यूज़ हो जाए एक बार उसको वापस इस स्ट्रिंग में से हटा देना। तो चलिए हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस फंक्शन में हमारे पास स्ट्रिंग को इम्पोर्ट किया हुआ है और हमारे पास लेटर लेफ्ट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्ट्रिंग डॉट आस्की लोअर केस स्टोर्ड है। तो एक बार हम देख लेते हैं स्ट्रिंग डॉट आस्की लोअर केस क्या होता है। इम्पोर्ट स्ट्रिंग लेटर लेफ्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट आस्की लोअर केस। प्रिंट करवा लेते हैं हम लोअर केस को, लेटर लेफ्ट को। तो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें A to Z तक सारे लेटर्स दिए हुए हैं। एक बार हम इसको अपर केस में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, लोअर इज इक्वल टू अपर केस। अब हमारे पास A to Z तक सारे बिग लेटर्स ABCD के बिग लेटर्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो चलिए हम इसमें से जब भी यूज़र एक सही इनपुट डालेगा तो वो हट जाना चाहिए नेक्स्ट इनपुट जब शो कर रहा है। मींस जब एन मेरा सही था तो जब बोला अवेलेबल लेटर्स तो एन हमारा हट जाना चाहिए, जबकि इसमें से नहीं हटा। तो हम इसके लिए रिप्लेस फंक्शन यूज़ करेंगे जो कि मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार। लेटर लेफ्ट इज इक्वल टू लेटर लेफ्ट डॉट रिप्लेस। मान लीजिए मैं एन को रिप्लेस करता हूँ एन, अब मैं प्रिंट करा लेता हूँ लेटर लेफ्ट को। अब आपको एन नहीं मिलेगा यहाँ पे, जबकि एन यहाँ पे था। और एक बार और हम इसमें से ए को रिमूव करके देख लेते हैं। अब हमारा ए भी इस स्ट्रिंग में से रिमूव हो गया। तो चलिए हम अपने कोड में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं।
अब हमें बेसिकली करना क्या है, एक लूप चलाना है जिससे ये पता चले कि यूज़र बेसिकली हमें जो ये लेटर गेस्ट एक लिस्ट है उसमें हमें लूप को इटरेट करवाना है और उसमें देखना है कि कौन से लेटर यूज़र ने गेस कर लिए हैं जो कि नेक्स्ट टाइम प्रिंट नहीं करवाने। तो इन लेटर गेस्ड उसके बाद सेम लाइन सेम कमांड जो मैंने टर्मिनल पे चलाई थी वो लिख देता हूँ। लेटर लेफ्ट इज इक्वल टू लेटर लेफ्ट डॉट रिप्लेस, बट इसमें हमें आई को रिप्लेस कराना पड़ेगा बिकॉज आई के अंदर लेटर गेस्ट का लेटर होगा। मींस अगर यूज़र ने इनपुट दिया है एन तो हमारा जो है लेटर गेस्ट के अंदर एन अपेंड हो जाएगा। तो एक बार हम इसको कोड को सही करके देख लेते हैं। रिप्लेस आई कॉमा स्ट्रिंग, जो कि पूरी स्ट्रिंग को वापस से रीज्वाइन करने के लिए वर्क करेगा। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको टर्मिनल पर चलाते हैं। अब आई एम थिंकिंग अबाउट दैट इज़ 8 8 लॉन्ग, तो मैंने एल डाला तो एल इस स्ट्रिंग में से एल रिमूव हो गया जो कि यहाँ पे पहले प्रेजेंट था के बाद। सो हमने ढंग से सीख लिया है इम्प्लीमेंट करना, बट एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लूप हमारा वर्क कैसे करेगा। तो एक काम करते हैं, लूप के अंदर हम लेटर गेस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट लेटर गेस्ट, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या लेटर गेस्ट के अंदर कौन सा लेटर अपेंड हुआ है। तो हमारा इस लेटर इस लिस्ट के अंदर ए अपेंड हो गया। अब मान लीजिए मैं आर डालता हूँ तो आर भी अपेंड हो गया। इसका मतलब हमने अवेलेबल लेटर्स को ढंग से प्रिंट करवा लिया है और हर बार जो लेटर हम सही गैस कर रहे हैं वो हट जा रहा है इस गैसिंग जो हमें गैस करना है इस स्ट्रिंग से। थैंक यू।